सो हेलो एंड वेलकम दोस्तों, टेक्निकल सलमान चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। चलिए दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं वीवो फ़ोन के बारे में। हाँ जी दोस्तों, वीवो के किसी भी फ़ोन पे अपने लॉक स्क्रीन पर कैसे अपना नाम लिखेंगे उसके बारे में आज आप लोग को बताने वाला हूँ। ऑलवेज ऑन डिस्प्ले एमोलेड लाइटिंग के बारे में भी आप लोग को बताऊंगा, तो जैसे कि आपको थंबनेल पे दिख गया होगा। तो फाइनली दोस्तों, इसी के बारे में आज आप लोग को बताने वाला हूं कैसे आप लोग अपने लॉक स्क्रीन पे अपना नाम लिखेंगे वीवो के किसी भी फ़ोन में। तो आप लोग को वीवो के S1 S1 Pro B15 15 Pro ये सभी फ़ोन में आप लोग को देखने को मिलता है, तो बाकी फ़ोन में नहीं मिलता है। तो आप लोग सभी फ़ोन में कैसे लिखेंगे उसके बारे में आज आप लोग को बताने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को एंड तक देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। तो चलते हैं दोस्तों, वीडियो को शुरू कर लेते हैं। टेक्निकल सलमान। इससे पहले हमारे वीडियो को लाइक कर लेना, इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके आप लोग फॉलो कर लेना। तो चलिए दोस्तों, मैं आप लोग को चल के दिखा देता हूँ। इसके लिए आप लोग को एक ऐप्स को डाउनलोड करना होगा, उसके बिना नहीं होगा। तो आपको ऐप्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप लोग जाके डाउनलोड कर लेना। तो चलते हैं दोस्तों, आप लोग को यहाँ पे कुछ इस तरह से ऐप देखने को मिलेगा, इसको आप लोग को डाउनलोड कर लेना है। तो इसको ओपन करना है तो आप लोग को कुछ इस तरह से इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो आपका पहला नंबर डन हो जाएगा यहाँ पे। अगर दूसरे पे आपको क्लिक करना है, यहाँ पे नोटिफिकेशन ऑन कर देना है, और यहाँ पर ऑन करने के बाद आपको बैक चले जाना है। बैक जाने के बाद यहाँ पर तीसरे पर आपको अलाउ कर देना है, उसके बाद चौथे पर आपको क्लिक करके यहाँ पर टिक लगा कर यहाँ पर अलाउ कर देना है। उसके बाद आपको बैक चले जाना है। यहाँ पे नीचे आप लोग को साइड में दिखता है, तो इस पर आपको क्लिक करना है, और जैसे क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह से इंटरफेस देखने को मिल जाता है। तो आपको रेड वाले पे क्लिक कर देना है। अब क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे कुछ इस तरह से इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। तो आपको इसमें एमोलेड डिस्प्ले जो देखने को मिलता है लॉक स्क्रीन, वो लॉक स्क्रीन आप लोग अपने फ़ोन में सेटअप कर सकते हैं, उसके बारे में आप लोग को बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे आप लोग को दिख रहा कुछ इस तरह से इंटरफेस मिलता है, तो आप यहाँ पे कुछ इस तरह से इसको सेटअप करने ला यहाँ पे सेट कर देना है। और यहाँ पे फ़ॉन्ट को कुछ इस तरह से आप जो भी फ़ॉन्ट लगा सकते हैं, तो मैं इसको फ़ॉन्ट को सेट कर लेता हूँ। और यहाँ पे आप लोग को कैलेंडर, तो यहाँ पे कैलेंडर में जो भी तारीख आप लगाना चाहते हो, तो यहाँ पे मैं कुछ इस तरह से इसको सेटअप कर लेता हूँ, यहाँ पे डन कर देता हूँ। अब यहाँ पे वॉच, जो कि अगर टाइम यहाँ पे आप लोग को दिख रहा, कुछ अलग अलग तरीके का यहाँ बहुत सारे इसमें देखने को मिल जाते हैं आप लोग को दिख रहा, तो आप लोग अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। तो मैं इस पर से इसको लगा लेता हूँ। अगर इसको सेट करना चाहेंगे तो आपको यहाँ पे कुछ ऐड को चलानी होगी, तो यहाँ पे ऐड चलाते हैं थोड़ा देर। तो यहाँ पे कुछ ऐड चलेंगे, मैं आप लोग को चला के दिखाता हूँ। तो यहाँ पे ऐड आएगा, तो ऐड को चलने देना है, और ऐड चलने के बाद आपको उसका लॉक खुल जाएगा। तो मैं आप लोग को दिखाता हूँ अभी। तो यहाँ पर थोड़ा टाइम लग रहा है, ऐड चल रहा है दोस्तों। ऐड चलने के बाद आपको यहां से क्लिक कर देना है, और यहां पे फिर से चले जाना अपने वॉच पे। अब यहां पे आपको सभी यहां पे लॉक यहां पे खुल गया, आप लोग को दिख रहा कुछ इस तरह से। तो इसको मैं सेट कर लिया, यहां पे डन कर दिया, सेट हो गया। अब आपको क्या करना है, यहां पे जाना है इस पे। तो दोस्तों, यहां पे अगर आप अपना नाम लिखना है, तो फर्स्ट नंबर यहाँ पर आप लोग को देखने को मिल जाता है ऑन स्क्रीन। तो दोस्तों, यहाँ पर अपना नाम लिख सकते हैं डिस्प्ले पर। तो कुछ यहाँ पर जैसे कि मैं अपना नाम लिख लेता हूँ, अपना नाम मैं लिख लेता हूँ, और यहाँ से सेट कर देना है। अब यहाँ पे आप लोग को देखने को मिल जाता है साइज़, तो साइज़ को यहाँ पे बड़ा भी कर सकते हैं। थोड़ा मैं इसको बड़ा करता हूँ साइज़ को, और यहाँ से ओके कर देता हूँ। अब यहाँ से आप अपने कलर को सेट कर सकते हैं, तो मैं कलर सेट कर लेता हूँ यहाँ पर, और सेट कर देता हूँ। अब आपको नीचे देखने को मिल जाता है यहाँ पर साइज़, तो यहाँ पर साइज़ को और थोड़ा बड़ा कर सकते हैं, और यहाँ पर ओके कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ से कुछ इस तरह से इंटरफेस देखने को मिल जाता है, यहाँ से कुछ इस तरह से कर सकते हैं सेट। और उसके बाद आपको बैक चले जाना। अब यहाँ पे आप लोग को देखने को मिल जाएगा कुछ इस तरह से इंटरफेस, यहाँ पे EDG तो लाइटिंग, तो दोस्तों इस पर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपको कुछ इस तरह से इंटरफेस देखने को मिल जाता है, आप यहाँ से इस पर जाएंगे, उसके बाद यहाँ से ऑलवेज ऑन पर क्लिक करना है। ऑलवेज ऑन पर क्लिक करने के बाद उसके बाद आपको जाना है यहाँ पर जैसे कि लाइटिंग पे। तो दोस्तों, यहाँ पे कुछ इस तरह से इंटरफेस देखने को मिलता है। अगर आपके फ़ोन में नोच है तो आप लोग कैसे सेट करेंगे उसके बारे में आप लोग को बताने वाला। तो आपको यहाँ पे कुछ इस तरह से नोच का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर टिक लगा देना, उसके बाद आपको फिर इसको ओपन करना है। तो यहाँ पे अगर आपके फ़ोन में नोच है तो आप लोग को दिखाता हूँ कैसे आप लोग अपने फ़ोन में सेट करेंगे। यहाँ पर कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलता है, यहाँ पे जैसे कि आप अपने फ़ोन में इस तरह से सेट कर सकते हैं। अगर आपके पास वीवो का B9 फ़ोन है
तो आप इसको नोच को कुछ इस तरह से बना सकते हैं, मैं आप लोग को दिखाता हूँ कुछ इस तरह से बना सकते हैं। यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा है कुछ इस तरह से आप लोग कर सकते हैं अपने फ़ोन में, और यहाँ पे कुछ इस तरह से इंटरफेस देखने को मिल जाता है। अगर आपके पास B9 और सॉरी दोस्तों आपके पास और भी फ़ोन है जैसे कि Y20 हो गया, बहुत सारे फ़ोन हो वीवो का Y91 हो गया, सभी फ़ोन का नोच यहाँ पे आप लोग अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं और यहाँ पे सेव कर देना है। और उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है कुछ इस तरह से इंटरफेस, और यहाँ पे आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। यहाँ पे अगर नोच को और भी डिज़ाइन चाहते हैं तो यहाँ से डिज़ाइन कर सकते हैं, तो मैं आप लोग को करके दिखाता हूँ, हो चुका है। और यहाँ पे आपको नीचे जाना है बैग, उसके बाद आपको यहाँ पे ऑन स्क्रीन यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है, तो यहाँ पे आपको होम स्क्रीन यहाँ पे कुछ इस तरह से एंड्रॉयड पे कर सकते हैं, और बहुत सारे UI देखने को मिल जाते हैं, आप लोग अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। और इसको डाउन करके नीचे चलते तो यहाँ पे कुछ इस तरह से टिक लगा सकते हैं, आप यहाँ पे कैलेंडर पे टिक लगा सकते हैं, और यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है तो कुछ इस तरह से आप टिक लगा देंगे, जैसे कि मैं आप लोग को बताया थंबनेल पे आप लोग को दिखा था। और यहाँ पे वॉल्यूम पे आप यहाँ पे कुछ इस तरह से सेट कर सकते हैं, तो मैं इसको सेट कर दिया। अब नीचे आप लोग को देखने को मिल जाता कुछ इस तरह से इंटरफेस, और मैं यहाँ पे बैक चलता हूँ तो यहाँ पे नोटिफिकेशन का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, और यहाँ पे कुछ इस तरह से सेटअप कर सकते हैं अपने हिसाब से। आप लोग को दिख रहा डाउन का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, तो मैं आप लोग को करके सब दिखाता हूँ, उसी तरह से आप लोग अपने फ़ोन में सेटअप कर सकते हैं। फिर चलते हैं दोस्तों नीचे, यहाँ पे कुछ इस तरह से इंटरफेस मिल जाता है, आप लोग को दिख रहा है यहाँ पे कलर का ऑप्शन मिल जाता है, कलर अपने हिसाब से आप लोग सेटअप कर सकते हैं, और इसके सेटिंग यहाँ पे आप लोग को देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे सेटिंग आप लोग को दिख रहा है कुछ इस तरह से इंटरफेस देखने को मिल जाता है, तो आप लोग इस तरह से अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। और यहाँ पे आप लोग को कुछ इस तरह से इंटरफेस देखने को मिल जाता है, तो आप लोग अपने हिसाब से लैंग्वेज अपना सेट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अब मैं आप लोग को लॉक करके दिखाता हूँ स्क्रीन को, जैसे यहाँ पे लॉक हो चुका अभी आप लोग को देखने को मिल जाएगा कुछ इस तरह से इंटरफेस, और यहाँ पे आप लोग को कुछ इस तरह से इंटरफेस देखने को मिल जाता है, यहाँ पे कुछ इस तरह से इंटरफेस देखने को मिल जाता है आप लोग को। और मैं यहाँ पे आप लोग को दिख रहा अपना नाम लिखा था, यहाँ पे नाम मेरा आप लोग को देखने को मिल जाता है। तो आप लोग इस तरह से अपने लॉक स्क्रीन पे अपना नाम लिख सकते हैं और अपने हिसाब से सेटअप कर सकते हैं, यहाँ पे कुछ इस तरह से इंटरफेस देखने को मिल जाता है। और यहाँ पे आप लोग को कुछ इस तरह से इंटरफेस, यहाँ से आप अपने फ़ोन का टॉर्च भी जला सकते हैं, और यहाँ से आप लोग अपना कैलकुलेटर यहाँ पे कुछ इस तरह से जैसे कि यहाँ पे तारीख अपना चेक कर सकते हैं, और यहाँ पे कैलकुलेटर यहाँ पे आप लोग को देखने को मिल जाता है, जैसे कि आप लोग अपने कैलकुलेटर को चला सकते हैं, यहाँ पे आप लोग को कुछ इस तरह से इंटरफेस देखने को मिल जाता है। तो फाइनली यहाँ पे कुछ यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है, आप लोग अपने हिसाब से इस तरह से सेटअप कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जो कि मैं आप लोग बताया इस तरह से आप लोग अपने लॉक स्क्रीन पर अपना नाम लिख सकते हैं, यहाँ पे आप लोग को दिख रहा है बेटर यहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो इस तरह से आप लोग जाकर अपने लॉक स्क्रीन पर अपना नाम लिख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, आई होप अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि किसी भी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। चलिए दोस्तों फिर मिलेंगे किसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, बाय बाय।